हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम, गुड लगे, प्रणाम, स्वागत करता हूँ दोस्तों मेरे कॉल्स हैं ब्लॉग में। एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे एंड खैरियत होंगे। तो वही दोस्तों, सुबह हो गई है और मैं भी उठ गया हूँ अपने काम में लगने के लिए। बाबू जगा हुआ है सुबह 3:30 बजे से, उसी समय से अगर जगा हुआ हूँ उसके लिए। तो अभी दोस्तों हम जा रहे हैं किचन में, जो बर्तन है वो बर्तन धोएंगे, फिर झाड़ू लगाएंगे, फिर खाना डालेंगे, फिर कपड़े धोएंगे, फिर और भी बहुत सारा काम है क्योंकि मम्मी है नहीं और नीरज और रजनीश भी कुछ कर नहीं सकता है क्योंकि घर का काम उन लोगों को आता नहीं है, तो सारा मुझे ही करना है। बैठ के आराम कर भगवान। दोस्तों बर्तन वगैरह सब धो दिया और चाय बनाऊंगा अभी, ये दूध भी गर्म कर दिया, बस इसमें चाय बनाऊंगा एंड चाय बना के दोस्तों खाना बनाऊंगा। खाना में मैं रोटी और सब्जी बनाने वाला हूँ क्योंकि चावल नहीं है घर में एंड सब्जी भी नहीं है, सिर्फ आलू ही है उतना सा। तो अभी नीरज से सोयाबीन मंगवाया और ये रस्क है काजल सर्दी का, पर ये आ गई सालों से, इसको सर्दी लग गया कल के सफ़र में, 6 घंटे का सफ़र था, रात हो गई आते आते सर्दी लग गया इसको। दोस्तों काजल सब्जी बना रही है, बोल रही है कि सब्जी मैं बना देती हूँ एंड मैं रोटी बना देता हूँ। तो आता घूमना है अभी ये सब्जी बनाने की, तब तक रोटी तो मैं ही बनाऊंगा, इसको ज्यादा काम करने दूंगा नहीं। ये देखिए दोस्तों, बाबू उठा है, राहुल आया है मिलने। ऐसे तो देखते देंगे बिना मुंह दिखाई के, मतलब जेकर मन करे से देख के चल जाए, इतना फ्री है हमारे बेटा। नहीं अभी तो कुछ नहीं, हम तो काम वाले। चलो कोई बात नहीं, चलो 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 कोई बात नहीं, बाद में मुंह दिखाई देगा। हां देखिए राहुल बैठा ले, अरे प्यारा खूब हंस तो खूब, देखिए अपने अपने हंस तो पूरा। बहुत मच्छर काट दिया ना, मच्छर ना हुए काट को काट ले है। अल्लाह मच्छर आ, जल्दी जल्दी आ, देखिए पहले मिठाइया के नमक पे आए, आई 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 ना बोलिया के दिखाए बाबू बाबू कहले बेचारा। पैरवन ना दुनी भैया, अरे खुश रहे तो ना तेरी बात मिट्टू जी जी आप हेलो, पूरा नींद में है ता मम्मी जी, देखो आई बड़ी मम्मी, अरे अरे बाबू तू बोली थी ना कि दूध देंगे, दूध लेके आओ जाओ आप, हाँ सुत लो अभी थोड़ा देर पहले जा ये बना बना के खा ले। उठाओ बाबू को, उठाओ उठाओ जीत को, हम दूध ले ले हैं सुगर जो पहले ला कर पिलाने के लिए, तो दोस्तों आटा तो गूंद दिया मैंने, बट रोटी ये बनाने लगी, बोलने लगी लाइए हम बना देते हैं, तो जबरदस्ती वो भी ले ली। तो तब तक ये बनाती है, तब तक हम क्या करते हैं पोली, बाबू का सारा कपड़ा निकाल देते हैं ना धोने के लिए पोली। हाँ चलो, ये दोनों दोस्तों देखिए कितना गंदा है, देखिए ये चौकी पर रखो, ले जा दोनों जल्दी 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 जल्दी, एगो तुम्हारा एगो किसका,
छोटी मैया का काजल लेके आई है एक पोली के लिए और एक छोटी मुन्नी के लिए, पोली की बहन के लिए, है ना पोली? हाँ। किसका है? मैया के। यहाँ पकड़ो, यहाँ उतरे। तो ये दोस्तों काजल का बाबू का जो भी कपड़ा था वो सेपरेट कर रहे हैं। ये काजल के कुछ साड़ियाँ हैं उसको अलग कर रहे हैं, जो गंदा है उसको अलग कर रहे हैं इधर, और जो सही है जो धोया हुआ है उसको इधर रख रहे हैं, बाकी जो नया नया है उसको पैक कर रहे हैं डायरी। ये इतना सारा कपड़ा निकाला है धोने के लिए, बाकी ये इधर सब छाट रहे हैं और इधर सब ये छाट रहे हैं। ये देखिए अभी अचानक से उठा और चिल्लाने लगा, दूध नहीं बना था, दूध बनाया, पोलिया दूध पिला रही ना पोली, कैसा लग रहा है पोली? बेस लग रहा है। दोस्तों मौसम एकदम खराब हो गया है, ऊपर देखिए बादल, हल्का हल्का बारिश हो रहा है और कपड़े धो दूंगा अगर नहीं सूखेगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो डिसीजन ये लिया है कि कपड़े नहीं धोऊंगा आज, वैसे मैं भी अगर भींग गया ज़्यादा देर या फिर धूप नहीं किया तो बाबू को भी दिक्कत होगा, काजल को भी दिक्कत हो जाएगा, तो आज कपड़े नहीं धोऊंगा। ये सारे कपड़े निकाले धोले के लिए लेकिन मौसम खराब है इसके वजह से नहीं धोऊंगा आज। दादी के देखता है इधरों ध्यान देते हैं बिचू, इधरों ध्यान देते हैं रे, बेचारी बैठा लत नेसे आए रे। क्या ले ले बाबू, अब अभी ऐले मिलेगा था, कल कहाँ था? हाँ, छठ का बाबू बड़का भैया के गोदी में खिलाई है, भैया जैसा फील हो रहा है। हाँ। दोस्तों देखिए इधर देखिए, रिसिया पता है काहे रो रहा है? देखिए पोली के लिए जो नेकलेस लाए थे उसके लिए रो रहा है, बोल रहा है मेरे लिए काहे नहीं लाए नेकलेस। तो दोस्तों हो गई है शाम और हमारे घर में बैठे हैं दो मेहमान, एक है कुसुम एक है आशा, लेकिन फिर भी दिल है निराशा का है कि कुसुम बोली थी खर्चा करेंगे लेकिन हुआ नहीं। तो फिलहाल दोस्तों मेरे हाथ में ये कपड़ा है, ये है आशा के लिए जो बाबू की बुआ लगती है। बात यह है कि बाबू का जब तिलक हो रहा था, काजल लग रहा था, तो प्रीति वो फर्ज निभाई थी रांची में, तो उसके साथ साथ ये भी बुआ लगती है, तो प्रीति के लिए एक कपड़ा लिया था, तो इसके लिए भी एक कपड़ा लेके आया था, वहीं से लेके आ गया था, तो आज मैं इसके हाथ में सौंपता हूँ, ये ले बाबू की तरफ से, ठीक अब खर्चा कर, पैसा दे दे लिया। खुश रह खुश रह। ये दोस्तों वीर लेके आया है बाबू के लिए, ये वीर लेके आया, वीर बाबू को दो बाबू, ये बाबू के लिए लेके आया, रे अरे सिनेमा के लिए लाया है, और ये कीर्ति लाई है बाबू के लिए चॉकलेट लाई है, ठीक है, जो मेरे की ओर आता है क्योंकि वो खा नहीं सकती है मीठा, तो वो ये मेरे तरफ आ जाता है। तो थैंक यू कीर्ति, ये कीर्ति अभी आँख में गया अभी, थैंक यू कीर्ति है जी। तो फाइनली दोस्तों हम लोग रात के खाने में बैठे हैं, हम लोग मतलब हम और काजल दोनों, बूढ़ी जैसी दिख रही है और देखती कैसी है, और रात के खाने में ये सुबह का रोटी बचा है, ये रात को बना, मतलब शाम को अभी चावल बनाया, सब्जी बनाया, ये अंडे का ऑमलेट और भुजिया दोनों, तो बस यही खा रहे हैं। एंड बाबू कल की तरह इधर सोया है आराम से। तो ये वीडियो दोस्तों यहीं तक रुकते हैं, मिलते हैं एक और से नए ब्लॉग में, एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, टेक केयर, बी हैप्पी एंड बाय बाय।